खबर आपको रायपुर से बता रहे जहां पर वार्ड क्रमांक 33 में मतदान को लेकर लोग परेशान हो रहे हैं। किसी भी दरवाजे पर नहीं लिखा गया है बूथ क्रमांक नहीं लिखे जाने से मतदाता परेशान हो रहे हैं। पूर्व माध्यमिक कन्याशाला तेली बांधा की यह घटना आपको बता रहे हैं। स्कूल में 6 बूथ हैं, किसी में भी क्रमांक नहीं लिखे गए हैं। आपको बता दें वार्ड क्रमांक 33 में मतदाता लगातार परेशान हो रहे हैं। किसी भी दरवाजे पर बूथ क्रमांक नहीं लिखा गया है। अधिक जानकारी के लिए सुप्रिया माने हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या कुछ पूरी जानकारी, आखिर क्यों बूथ क्रमांक यहाँ पर नहीं लगाए गए हैं जिस वजह से लोग परेशान हो रहे हैं? इसे अधिकारियों की गलती बताया जा सकता है, क्योंकि वार्ड क्रमांक 33 में बूथ क्रमांक नहीं लिखा है, कक्ष क्रमांक लिखा है, जिससे मतदाताओं को काफी परेशानियां हो रही है। मतदान स्थल पर पहुंच तो जाते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि उन्हें कहाँ जाना है, जिस वजह से परेशानी होती है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता ने इसकी शिकायत की, जिस पर अधिकारी तुरंत संज्ञान लेते हुए उन्होंने चौक से दीवार लेखन किया और बूथ क्रमांक जो है वो मेंशन किया वहां पर। सुबह, चूंकि सुबह का समय है तो कितनी तादाद में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं? सुबह का समय है, सुबह और ज्यादा मतदाताओं की भीड़ देखने को मिल रही है। काफी उनमें उत्साह दिख रहा है, बच्चे से मतलब युवा से लेकर बुजुर्ग तक के मतदाता जो है वो मतदान स्थल पर पहुंच रहे हैं। बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा ले रहे हैं, साथ ही सेल्फी भी ले रहे हैं कि हमने वोट किया है। बहुत लोग हैं जो यहाँ पर बढ़ चढ़कर महिलाएं भी यहाँ पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। बुजुर्ग है वो भी इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मतलब देखा जाए तो तमाम यहाँ पर मतदान केंद्रों में भीड़ जो है वो उमड़ी हुई है। सुप्रिया, बूथ क्रमांक यहाँ पर नहीं लगाए गए हैं तो किस तरह से लोग मैनेज कर रहे हैं? बूथ क्रमांक पहले नहीं लगाए गए थे, लेकिन जब कांग्रेस कार्यकर्ता ने शिकायत की इसकी, तो अधिकारी तुरंत इसे संज्ञान में लेकर उन्होंने चौक होता है उससे दीवार लेखन किया है, जिससे अब लोगों को मतदान करने में कोई परेशानी नहीं हो रही। बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए पूरे प्रदेश में मतदान जारी है। वोटर्स प्रदेश के 151 नगरीय निकाय के 2840 वार्डों के लिए पार्षदों का चुनाव करेंगे। कांग्रेस और 15 साल बाद विपक्ष में बैठी भाजपा के बीच सीधा मुकाबला है, लेकिन पहली बार कई शहरों में त्रिकोणीय मुकाबले की भी स्थिति बनी हुई है। पहली बार निकाय चुनाव में योगी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अपना भाग्य आजमा रही है। दोनों दलों के उम्मीदवारों का परफॉर्मेंस चाहे जैसा हो, लेकिन जीत हार वाली सीटों पर ये नतीजों को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। 16 साल बाद यहां फिर बैलेट पेपर से मतदान हो रहा है। रायपुर में कांग्रेस विधायक सत्यनारायण शर्मा और कलेक्टर एस भारती दासन ने भी अपनी पत्नी के साथ मतदान किया। तस्वीरें रायपुर की आपको दिखा रहे हैं, और जिस तरह से मतदान शुरू हो चुका है, लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। सुबह से ही लोगों की भीड़ यहाँ पे उमड़ पड़ी है, और आप देख सकते हैं साफ तस्वीरों में कि किस तरह लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। और हेमंत हमारे साथ लाइव वहां से जुड़ चुके हैं। हेमंत, क्या कुछ तस्वीरें बयां कर रही है? लगभग एक घंटा पूरा हो चुका है, कितना प्रतिशत मतदान अभी तक हो चुका है? हेमंत चंपा रहे जो मतदान है वो शुरू हुआ था रायपुर के 70 वार्ड। जी जी, हेलो हेमंत, कितना प्रतिशत मतदान अभी तक हो चुका है? कैसा माहौल अभी नजर आ रहा है वहां पर? हाँ देखिए, सुबह 8 बजे से रायपुर के 70 वार्डों के लिए मतदान यहाँ पर शुरू हुआ है। 1128 केंद्र रायपुर में बनाए गए हैं, और गजब का उत्साह मतदाताओं में देखा जा रहा है। सुबह से ही लंबी लंबी कतारें, न सिर्फ महिलाएं बल्कि युवा और जो बुजुर्ग हैं उनकी वहाँ पर देखी जा रही है। लोग लोकतंत्र के पर्व में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आम लोगों के साथ साथ जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी वोट डालते नजर आ रहे हैं। मैं जिस मतदान केंद्र में खड़ा हूँ, ये ऑफिसर्स का का मतदान केंद्र है। यहाँ पर पास में ही जो आईएएस और तमाम अधिकारी हैं वो उनका बंगला यहाँ पर है, यहाँ पर वो वोट डालने पहुंच रहे हैं लगातार। इसके अलावा बात की जाए तो जो रायपुर कलेक्टर है एस भारतीदासन, उन्होंने यहाँ पर अपनी पत्नी के साथ मतदान किया। इसके अलावा जो रायपुर संभाग
विभाग के कमिश्नर है जीआर चुरेन, उन्होंने भी अपनी पत्नी के साथ वहां पर लाइन में लगकर वोट डाला। तो हर कोई लोकतंत्र के पर्व में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। हमारे साथ विधायक, उत्तर के विधायक कुलदीप जुनेजा है, उनसे बातचीत करते हैं। लोग बड़ी संख्या में घरों से निकल रहे हैं, आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो अपील करूंगा कि कांग्रेस की सरकार है प्रदेश में और मुख्यमंत्री जी के एक साल का कार्यकाल आपने देखा है और उनके कार्यकाल में जो जो काम हुए उनको भी आपने देखा है। मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि लोकल चुनाव है पार्षदों के, महापौर के, आप इसमें कांग्रेस को विजय बनाइए और कांग्रेस को विजय बनाएंगे तो काम विकास वार्डों में बहुत विकास होगा और महापौर भी चुनेंगे तो वार्ड शहर के अंदर बहुत विकास होगा। मेरी जनता से यही निवेदन है, यही अपील है। और आज भारी उत्साह देखने को मिल रहा है, सुबह से जहां जहां हम लोग जा रहे हैं घूम रहे हैं लोगों में उत्साह है। उसका कारण है कि छोटा इलेक्शन है वार्डों का, हर किसी का संबंध घर घर से रहता है, दोनों पार्टी और तीन पार्टी निर्दलीय सबका, तो सभी जन कोशिश करते हैं कि सबके सब लोग वोट डालें, मत डालें। प्रचार के दौरान कैसा माहौल आपने देखा है, क्योंकि काफी मेहनत दोनों तरफ से की गई है, मुख्यमंत्री ने मोर्चा संभाला था, उधर से पूर्व मुख्यमंत्री ने मोर्चा संभाला था, कैसा माहौल देखा गया और अब कैसा देख रहे हैं? उत्साह है, कांग्रेस के प्रति रुझान है, लोगों में कांग्रेस के प्रति वोट देने का मन बना चुकी है कि कांग्रेस को वोट देना है। जिस प्रकार से विधानसभा में 90 विधायकों में 70 विधायक कांग्रेस के चुने थे, मुझे पूरी उम्मीद है कि 70 में से 60 पार्षद कांग्रेस के आएंगे। क्या मुद्दे रहे इस चुनाव में आप देखेंगे तो, जो लोकल, क्योंकि वार्डों में लोकल समस्याएं हैं वो काफी उभर कर सामने आती हैं। जब वार्डों का हमने भ्रमण किया था तो वर्तमान पार्षदों के कामकाज से जो जनता काफी नाराज थी। आप 15 साल सरकार इनकी रही है और राजधानी की बात करें तो इन्होंने राजधानी में कोई विकास जैसी कोई बात करी नहीं। पूरी नई राजधानी में इन्होंने खर्चा किया, नई राजधानी में रोड सड़कें बनाई जहाँ कोई रहता नहीं, कोई जाता आता नहीं, पूरा पैसा इन्होंने नई राजधानी रायपुर में लगाया। रायपुर में बहुत शहर के अंदर बहुत कम खर्चा किया, इसीलिए लोगों में नाराजगी भी है इनके प्रति। और हमारे जो पार्षद, युवा पार्षदों को इस बार मौका दिया गया, पूरे रायपुर शहर में सारे युवाओं को मौका दिया गया और ये ऐसे युवाओं को दिया है जो अपने वार्डों में सक्रिय रहें, जनता से जुड़े रहें, जनता के सुख दुख में उठते बैठते रहें। इसीलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस के प्रत्याशी विजयी होंगे। आपके विधानसभा में कितने वार्ड जीत के आ रही होंगे? 17 है मेरे विधानसभा में टोटल, मुझे उम्मीद है कि 12 से 13 हम लोग जीत करेंगे। तो ऋतु, ये हमारे साथ विधायक कांग्रेस के कुलदीप जुनेजा जी थे। रायपुर उत्तर की बात की जाए तो 17 वार्ड रायपुर उत्तर विधानसभा में आते हैं और कुलदीप जुनेजा जी का ये दावा है कि कम से कम 12 से 13 जो वार्ड है उसमें कांग्रेस की जीत होगी। इसके अलावा पूरे 70 वार्डों की बात की जाए तो उनका एक और दावा है कि कम से कम 60 सीटों पर 60 पार्षद यहाँ पर कांग्रेस के जीत कराएंगे और वहां पर कांग्रेस का होगा। हालांकि जब चुनाव प्रचार चल रहा था तब पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी, चलिए हेमंत आप लगातार बने रहिए, सत्या यहाँ पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्या, क्या कुछ अपडेट्स मिल पा रहे हैं, क्या कुछ ग्राउंड रिपोर्ट बयां कर रही है? जी, हम लोग इस वक्त ब्राह्मणपाड़ा मतदान केंद्र में मौजूद हैं, वार्ड क्रमांक 44 है। यहाँ पे मतदाता इतना परेशान है कि उन्हें अपने नाम और जो क्रमांक को लेकर भटकना पड़ रहा है। यहाँ पे उनके सहयोग के लिए कोई कर्मचारी तैनात नहीं है और चूंकि ये बता दीजिए थोड़ा सेंसिटिव मामला है, यहाँ पे हर बार ऐसा नहीं हुआ है कि यहाँ विवाद नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे सुरक्षा भी दरकिनारा किया गया है। तो इस तरह यहाँ पे जैसे सब गौरतलब है कि बैलेट पेपर से मतदान हो रहा है और इसको देखते हुए यहाँ वोटिंग भी स्लो हो रही है और लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन उनके सहयोग के लिए यहाँ किसी भी तरह के कोई कर्मचारी सामने नहीं आ रहे हैं। कितनी तादाद में लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं, महिलाएं ज्यादा हैं, युवा ज्यादा हैं, क्या कुछ नजर आ रहा है? लोगों से भी बात कीजिए, जाने की कोशिश भी कीजिए कि क्या कुछ और परेशानियां उन्हें हो रही हैं। जी, बात करें यहाँ बुजुर्गों की संख्या ज्यादा है और यहाँ पे 90 साल के जो बुजुर्ग हैं यहाँ भी मतदान करने आए थे, वो चूंकि दिव्यांग थे और उनको चलने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन यहाँ पे व्हील चेयर को अंदर रखा हुआ था लेकिन उनको बाहर नहीं निकाला गया था। जब स्वराज एक्सप्रेस टीम वहाँ पहुंची, उनसे चर्चा की, तो उसके बाद हमारे कैमरा मैन भी व्हील चेयर को बाहर निकाल के उनसे मतदान कराया। तो इस तरह का यहाँ माहौल बना हुआ है और यहाँ पे देखें तो महिला मतदाता ज्यादा सामने आ रही है, बढ़ चढ़ के यहाँ मतदान कर रही है, तो वहीं अभी कहीं ना कहीं युवा पीछे रह गए हैं, युवाओं की संख्या यहाँ नहीं का बतौर देखने को मिल रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। लगातार हेमंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेमंत, चूंकि अगर हम बात करें जिस तरह से 16 साल बाद बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है, ईवीएम से अब नहीं हो रहा है, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो पहली बार वोटिंग कर रहे हैं, कैसा अनुभव उनका रहा, कैसा उन्हें लग रहा है बैलेट पेपर से चुनाव मतदान करते हुए, जानने की कोशिश कीजिए।
पन्ना साहब। हेमंत सुन पा रहे हैं आप? हेमंत सुन पा रहे हैं आप? शायद हमारा संपर्क उनसे टूट गया है, तो आपको बता दें तस्वीरें साफ रायपुर से आपको दिखा रहे हैं। और हमारे साथ हेमंत वैसे जुड़ चुके हैं। हेमंत, अगर हम देखें 16 साल बाद अब बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है, मतदान लोग कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे नए लोग भी होंगे, युवा भी होंगे जो पहली बार अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, कैसा उनका अनुभव रहा, कैसा उन्हें बैलेट पेपर से मतदान करते हुए लग रहा है, उनसे जाने की कोशिश कीजिए। हाँ देखिए, ठीक कहा आपने, क्योंकि 16 साल बाद बैलेट पेपर के माध्यम से यहाँ पर चुनाव हो रहा है। जो नगरीय निकाय का चुनाव है वो ईवीएम के माध्यम से ही होता था, हालांकि ग्राम पंचायत जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होता है वो बैलेट पेपर से होता था, क्योंकि ग्रामीण एरिया का चुनाव होता है और वहाँ पर काफी पढ़े लिखे लोग नहीं रहते, इसलिए वहाँ पर हमेशा शुरू से ये चला है कि जो बैलेट पेपर है उसके माध्यम से चुनाव होता है। लेकिन इस बार नगरीय निकाय का चुनाव ईवीएम माफ करिएगा बैलेट पेपर हो रहा है और काफी बदलाव इसमें देखा गया था। लेकिन रायपुर में जो खबरें निकलकर सामने आ रही है, लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इसलिए परेशानी हो रही है क्योंकि जिस मतदान केंद्र में वो पहुंच रहे हैं उस मतदान केंद्र के सामने कमरों में ये तक नहीं लिखा गया है कि बूथ क्रमांक कौन सा है, सिर्फ ये तक लिख दिया गया है कि कमरा नंबर 1 और 2। उससे लगातार जो मतदाता है वो हलाकान होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो पर्ची उनको दी गई थी जो जिसके माध्यम से वो वोट करने पहुंच रहे हैं उसमें बूथ क्रमांक गया है, कमरा नंबर नहीं लिखा गया, इसलिए लगातार वो परेशान हो रहे हैं। जिस मतदान केंद्र में वो पहुंच रहे हैं, जिस कमरा नंबर में वो पहुंच रहे हैं, वहां पर उनका वोट ही वहां डाल नहीं पा रहे हैं। इसके अलावा जो वहां पर जो कर्मचारी हैं फिर दूसरे कमरे में उनको वोट डालने के लिए भेज रहे हैं, तो ये परेशानी थोड़ी सामने आ रही है। और एक तरीके से देखा जाए तो निर्वाचन आयोग ने जो दावे किए थे कि तैयारी पूर्ण कर ली गई है, थोड़ा सा उसमें खामी यहाँ पर देखा जा रहा है, मतदाता लगातार परेशान हो रहा है। हालांकि आपने एक बात कही कि जो युवा है वो वोट डाल रहे हैं, और ऐसे कई युवा हैं जो पहली बार बैलेट पेपर से वोट डालेंगे, हालांकि मैं जिस मतदान केंद्र है वहां पर आम लोग यहां पर मौजूद नहीं है, अभी वोट डालने नहीं पहुंच रहे, क्योंकि यहां पर देवेंद्र नगर है और ऑफिसर कॉलोनी मौजूद है, यहां पर जितने सरकारी अधिकारी हैं उनका बंगला है, और यहां जो सरकारी अधिकारी हैं चाहे आईएएस की बात की जाए चाहे आईएफएस की बात की जाए वो यहां पर वोट डालने आएंगे। यहां पर जो रायपुर कलेक्टर है इस भारतीदासन वो वोट करने पहुंचे थे अपने पति के साथ, लाइन लगाकर यहां पर वोट किया। इसके अलावा रायपुर संभाग के जो कमिश्नर हैं डीआर चुरेन, उन्होंने भी अपनी पत्नी के साथ वोट डाला। इसके साथ ही उन्होंने वोट डालने के बाद सेल्फी जोन जो एक बनाया गया है, जो चलन लगातार विधानसभा चुनाव से देखा जा रहा है कि वोट डालने के बाद लोग सेल्फी जोन में जाकर सेल्फी खिंचवाते हैं, तो उन्होंने अपनी पत्नी के साथ सेल्फी भी खिंचवाई। तो लगातार न सिर्फ आम लोग बल्कि जो प्रशासनिक अधिकारी है वो भी बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा ले रहे हैं। ऋतु, चलिए हेमंत, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लगातार इस पर नजर बनाए रखें, और लगातार स्वराज एक्सप्रेस भी आप सभी से अपील कर रहा है।